फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गौरव मेहरा गैस्ट्रोनॉमी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक क्विक और इजी स्नैक, पोटैटो चीज फिंगर्स। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए शेफ? इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चीज लंबी लंबी बेटर्स में कटे हुए, हमें चाहिए आधा कप उबले हुए ग्रेट किए हुए पोटैटोस कोटिंग के लिए बाहर की, उनके बैटर के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 से हाफ कप वाटर, 1 बड़ा चम्मच पेपरिका पाउडर या फिर देगी मिर्ची पाउडर का, 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, नमक स्वाद अनुसार, कुरमुरा या पफ फ्राइज का पाउडर। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी कोटिंग या कवरिंग बना के। इसके लिए हमें चाहिए पोटैटोस, इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, पेपरिका या देगी चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी आउटर कोटिंग तैयार है। ब्लॉक प्रोसेस चीज से आपने ऐसे लंबे लंबे बेटन्स काट लेने हैं। तो मिक्सचर हाथ में अपने पाम में ले लेना है और इसे जितना तक हो सके आपने ऐसे एक पतली सी लेयर बना लेनी है। अब इसके बीच में आप चीज का एक बेटन रख लीजिए और इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। दोनों बाजू से इसे क्लोज कर दीजिए, प्रेस कर लीजिए और बाद में इसे अच्छे से ऐसे रोल कर लीजिए। एक्सेस मिक्सचर हो उसे निकाल लीजिए। आपने जितना थिन हो सके ये लेयर बनाना है, पर ये ध्यान दीजिएगा कि चीज बाहर दिखे नहीं। आप इसे अगर हाथ में रोल करते रहेंगे तो अपने आप ही एक्सेस जो भी मिक्सचर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, एंड देन यू कैन कवर द चीज प्रॉपरली। बस इसी तरह से अपने और भी फिंगर्स बना लेने हैं। हमारी पोटैटो चीजी फिंगर्स तैयार है। अब हम इसे डस्ट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। आपने इस तरह से कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से डस्ट कर लेना है। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रेस्ट होने के लिए रख दें, तब तक हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। पहले हम लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, ऐड करेंगे हल्का सा नमक। अब हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है धीरे धीरे और इसका एक हमने बैटर तैयार कर लेना है। ये लीजिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। एक में कुरमुरा का पाउडर ले लीजिए। इसी तरह से आपने एक एक चीज फिंगर को पहले बैटर में कोट करना है और फिर पाउडर में क्रम करना है। ये लीजिए, आपके पोटैटो चीजी फिंगर्स तैयार है फ्राइंग के लिए। इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रखिएगा और फिर फ्राई कीजिए। पोटैटो चीजी फिंगर्स को फ्राई करने के लिए पहले हम गरम तेल ले लेंगे। इसमें एक एक करके आपको ये फिंगर्स को डालना है। हमने ये फिंगर्स को कुरमुरे के पाउडर से कोट किया है। आप ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, इससे बेसिकली आउटर लेयर में एक अच्छा कुरकुरापन आ जाएगा। देख सकते हैं कितना चीजी और गुई है। इट इज अ परफेक्ट स्नैक फॉर ऑल द चीज लवर्स। परफेक्ट रिएक्शन। तैयार है हमारी झटपट बनने वाली चीजी पोटैटो स्नैक। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।